वो शुरू हुए थे खुदा जाने किस रंग से वो मेरी शादी के वक्त के सोफे थे अच्छा और वो हर चार पाँच साल के बाद उनकी अपोस्ट्री मुझे, अच्छा। मुझे वाइट रंग जो था ना वो हमारे फ्रेम में उस तरह उठता नहीं था उठता नहीं था, नहीं था। हाँ। वो लाइट अब वो वाइट रंग बहुत जल्दी क्रीम हो गया था और अब वो गंदे की तरफ जा रहा था बहुत जल्दी अब आई होप कि अब ये थोड़ा वाइब्रेंट हो गया खिल से जाएंगे हम भी खिल जाएंगे और हमारा सेट जो नहीं है आमना का लिविंग रूम जो थोड़ा सा और वाइब्रेंट हो जाएगा नहीं तो है ना तो ठीक है दिस पार्ट जी इससे पहले कि हम ड्रामों तरफ और, और, की तरफ जाएं और और तब um आई एग्री बहुत कम वक्त था हमारे पास मैंने रिक्वेस्ट की जब मीडिया जंकट था फॉर घबराना नहीं मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई जो चार लोगों को बिठा के या तीन लोगों को बिठा के होता है वो सब एक से सवाल पूछेंगे तो मुझे अगर एक्सक्लूसिव मिल जाए सभा के साथ बिफोर द मीडिया जंग पी पीआर वाज वेरी हेल्पफुल एंड दे फॉर मी सबा वाज वेरी कोऑपरेटिव भाई और घड़ी आप उनके टाइमिंग पे कर सकते थे आप शुक्र है आपने उन कंटिन्यू किया बिकॉज आप खुद लेट पहुँचते हैं तो सबा टाइम पे होते हैं ओके हो चुके हैं आपके साथ झूठ ना बोले क्या हो चुका है ना

Have a tendency of being toxic. Hmm. And they know that they may be toxic, hmm. but they still sign up for them. And what you your life? How long it takes to detox and get rid of that baggage, hmm. and how to get into new relationships, hmm. and uh, the importance of keeping relationships discreet. Uh, there was I, I, And of course, we started with Dastan. There was more to talk about Dastan. There was Barai Farooq. There was Digest Writer, all her dramas. Good job. Thank you. और जितना आपका उतना हमारा है तो मैं थोड़ा फीडबैक समझना चाहता हूँ सभा कमर के इंटरव्यू के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो प्यार हमें मौसू हुआ जो व्यूज हमें आए कुछ हमने पहले एक दो इंटरव्यूज किए उस पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से आपका फ़ीडबैक नहीं आया तो मुझे थोड़ा गाइड करें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करें कि किन सेलेब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ आप ज़्यादा प्रिफर करते हैं और जैसे हमने अनूशे रानिया का इंटरव्यू किया एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के इंटरव्यूज़ पहले हमारे चैनल पर बड़े पसंद किए गए हैं उमर शहजाद का हमने इंटरव्यू किया आप लोग अक्सर कहते हैं कि जी उन लोगों को सामने ले आए जो कि लीड कास्ट का हिस्सा नहीं है या जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो सपोर्ट कास्ट में होते हैं तो जब हम वो इंटरव्यूज करते हैं तो हमें उस तरह का आपकी तरह से मौसूल नहीं हो रहा तो थोड़ा सा आप अपना इनपुट दें क्योंकि ये आपका चैनल है और, आपने और हमने इसको मिल ग्रो कराना है तो जरा इंटरव्यूज की, की बात है किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं किस तरह के इंटरव्यूज आप देखना चाहते हैं किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और जैसी फीडबैक उसके क्योंकि हम तो आपके लिए बना रहे वो ही बेचेंगे पर इस बार हमने कोशिश की है कि थोड़ा डिफरेंट करें आ, हम ये वीडियो गो के मंडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन आप ट्यूसडे को देख रहे हैं तो कल रात को होपफुली मंडे नाइट आपने एक और वीडियो देखी होगी जो कि हमने सैरी की निदा और यासिर के साथ यूनिक वीडियो, वीडियो इसलिए है कि वो क्योंकि निदा और यासिर में क्या क्या बता बता के काफी बता चुका मेरे नेबर्स हैं हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं तो मेरी अक्सर उनसे मुलाकात चलते फिरते यासिर भाई के साथ भी हो जाती थी निदा के साथ अक्सर इवेंट्स पे होती है तो हमारा ये आइडिया था कि क्योंकि चक्कर भी आ रही है और एक इंटरव्यू निदा का बड़ा अरसे से एक पेंडिंग भी था आ, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम चक्कर निदा के इंटरव्यू को यासिर को निदा यासिर को उनके घर को और उनके घर के एक छोटे से टूर को सारी चीज़ों को इनकॉपरेट कर लें सो so, आई थिंक दैट इट्स इट turned आउट ओके okay. uh, बाकी आप लोगों के फीडबैक पे अगेन डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगा बड़ी खुल के बात हुई है निदा और यासिर के रोमांस के बारे में बात हुई है, क्या बात है? Uh, निदा निदा के फोफाज के ऊपर बात हुई है उनके ऊपर यासिर के रिएक्शन की बात हुई है आम, यासर के इन इन यासर के के आप भी आप तक आपने तक आप तक आप देख लिया जिसमें हाँ। निधा ने बड़ा गुस्से का इजहार किया उन्होंने कहा की मैं सख्त खिलाफ थी और मैं खुश नहीं हूँ हाँ है, है 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 तो मजा था लेकिन निधा बड़े खफा है निधा क्यूँ खफा है वो आप अगर इंटरव्यू देख रहे आप आप, अगर आप तो कि की नेबर होती होती अगर तो मोस्ट डेफिनेटली और चार चालीस पे पर रोजा बंद हो जाता आपको पता तो बस हमने किया और उनके घर का जितना हम आपको दिखा ऑब्वियसली किसी के घर जाके अच्छा भी नहीं लगता सुबह सुबह तीन बजे आप उनके बेडरूम में घुसें और सारे घुसे नहीं लिविंग रूम में थे उनका किचन जहाँ पे हमने सैरी की उनके ड्राइंग रूम के डाइनिंग रूम के कुछ शॉट्स हमने दिखाए उनका बड़ा अच्छा वो लाउंज में उनकी तस्वीरें सारी लगी हुई हैं है नाइस। वो हमने दिखाया तो आई होप कि इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आया होगा तो जो भी आपको पीछे आप पर्दे में रहने दो कि पूरी कास्ट के साथ इंटरव्यू किया जी। कल होपफुली इंशाल्लाह आपको एक और बड़ी जबरदस्त वीडियो देखने को मिलेगी अब मैं सरप्राइज इसलिए नहीं रखूंगा आमना ने तस्वीरें लगा दी उसकी तो नहीं, लेकिन ये तो है है इमरान और <laughs> और अमर खान के के साथ साथ एक 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 हमने ट्विस्ट हाँ जबरदस्त वीडियो शूट की है तो कल आपको <laughs> दे आप देखने को मिलेगी और और, हम चले जाएंगे ब्रेक पे। और एक इंटरव्यू जो आज रात को मैंने करना है मंडे रात को अगर वो हो गया तो वो भी इनशाला आपको देखने को मिलेगा हम तुम की कास्ट में से एक अच्छा मिनी ऑन द स्पॉट में आप अपने ऊपर करना चाहती हूँ बहुत लोग कहते हैं कि जी आमना प्लीज़ अंग्रेज़ी कम बोला करें और हमें पता है आपको बोलनी आती है लेकिन उर्दू चैनल है उर्दू कंटेंट है ड्रामा भी उर्दू में है आप क्यों इंग्लिश में बात करती हैं और आगे वाले जो लोग हैं वो कम्फर्टेबल नहीं होते हैं दिस अलॉर ऑफ़ दिस कामेंट केम आफ्टर द पर्दे में रहने दो वाली वीडियो तो पहली बात तो ये कि मैं माजरत के साथ ही कहना चाहती हूँ कि मेरा कम्फर्ट जोन इंग्लिश में है मैं अगर उर्दू में कोशिश करती हूँ तो मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ जैसे मैंने सभा कमर के इंटरव्यू में की अल्फाज को लफ्ज़ लफ्जों को अल्फाज और लफ्ज कह दिया उसमें काफ़ी वो होगा फिर नेचुरली तो मैं आई मीन आई कान हेल्प इट आई एम रियली सॉरी बट इज जस्ट माई कम्फर्ट ज़ोन इज इन इंग्लिश आई एम कौन सा पूरा में कि मेरी उर्दू ज़्यादा रिफाइंड होती और uh, बट इंग्लिश जनरेशन क्या करें अब ऐसा ही है और जैसे मैं कह रहा हूँ पूरा इंटरव्यू तो अंग्रेजी में वैसे भी नहीं होता कुछ जो छोटे मोटे आप बोलेंगे अंग्रेजी बोल दिए तो अब बिट्स एंड पीसीज में थोड़ी सी अंग्रेजी तो होती है उतनी तो सबको समझ है कोशिश होती है कि मैं अंग्रेजी सादी बोलूँ कि समझ मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँ लेकिन अब वो मैं ये ये फीडबैक इम्पोर्टेंट फीडबैक है लेकिन uh, 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 ऐसी yeah, नहीं काश में कई दफ़ा उर्दू नावल्स ऐसे होते हैं मैं चाहती हूँ की काश में ये पढ़ सकती so मुझसे बहुत फ्लुएंसली में पढ़ लेती हूँ मगर ऐसा नहीं की बहुत फ्लूसली मैं पढ़ सकूँ है ये अब कमी है कमी है आई एडमिट बट आई विल ट्राई टू ओवरकम इट बट मैं यहां पे ये भी आप आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा बड़ी बार हुआ है कि हम लोगों ने इंटरव्यू रोक के गेस्ट को अपने विचारों को ये बात बोली है कि प्लीज आप उर्दू में बात, बात करें।, करें जी बहुत बार हुआ है मतलब 90% ऑफ द इंटरव्यूज में ऐसा ही होता है कि बात हो रही होती है और फिर एकदम हमें ख्याल आता है कि यार लोग कहेंगे कि यार आप उर्दू में नहीं बात बोलते मुझे ऐसा एहसास हो कि जो गेस्ट है वो इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल होगा तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू फिर तो मैं उर्दू में ही बोलती हूँ अब जिस तरह हानिया और अली हैं देर फ्लुएंट इन इंग्लिश दर वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग इंग्लिश तो अब मैं मतलब ठीक है ऐसा नहीं कि वो अनकम्फर्बल थे ठीक है हाँ ये इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि आ, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जिस किसी का हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो वो तब तो नहीं शुरू हुआ होता ना उनसे बात होना हमारी कि जब कैमरा ऑन होता है उससे पहले की ये कॉन्वर्सेशन होती है हम जानते हैं लोगों को तो वो ऑब्वियसली वो एक सेट uh, होती है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो जितना कंफर्टेबल होता है उससे उसी अंदाज में हम इंटरव्यू भी कर रहे होते हैं बिकॉज ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के वक्त ही हमने उनसे बात करना शुरू की है तो इस बात का फीडबैक आपका का शुक्रिया लेकिन इतना परेशान ना हो तो ये मिनी ऑन द स्पॉट भी हो गया मिनी ऑन द स्पॉट भी हो गया मिनी हॉट बाइट्स भी हो गया और इन में रिव्यूज के बाद है मिनी फैशन फोर्टनाइटली भी करेंगे मिनी फैशन फोर्टनाइटली भी आमना कर लेंगी और आज हम और कुछ आपने ऐड करना है ड्रामा नहीं है आज ड्रामा है आ, 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 ये आज हम ट्यूजडे इनशाला आप जो हमारा अगला हॉट रिव्यू देखेंगे फ्राइडे को उस पर हम आपको बताएंगे कि उसके बाद से हमने क्या करना है क्योंकि हमने ट्रैवल करनी है अमेरिका जा रहे हैं आप गो विद द फ्लो करें बताने की कोई जरूरत नहीं है नहीं बताना जरूरी है लोगों को कि क्या होगा बट फ्राइडे को हम आपको बताएंगे इनशाला क्या होगा मैंने आपको जैसे बताया हम तुम की कास्ट का इंटरव्यू इनशाला आपको देखने को मिले कास्ट मेंबर में से किसी एक का आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा लीड में से चारों में से किसी एक का आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा ये देने की है। और आपको एक देखने को मिलेगी आ, कौन सी वीडियो? दमस्तम वाली वीडियो। अब ये अगर हमारी वीडियो टाइम से आमना जी एडिट हो गई तो वेंसडे को आपको दमस्तम और थर्सडे को हम तुम इंटरव्यू बिल्कुल खिलाफ हूँ लोगों को पता होना चाहिए क्या लोग हर रोज यूनियन हो और जो आए ठीक है उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें देखिए हम आपके लिए माशाला कितनी मेहनत हैं यार तो आप आपका भी थोड़ा सा हमारे लिए प्यार दिखाना बनता है सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे हिट करें जैसे आमना कह रही है खुद ही आपको पता चल जाएगा कौन सी वीडियो कब आ रही है मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद अब जब मैं नहीं होंगी पूरा मेकअप का महीना फिर आप मुझे याद करेंगे हाँ <laughs> <laughs> जी <laughs> मैं करूंगा आपको याद जी आप जा रही है ना अमेरिका बस आप कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेके आइएगा हमारे लिए जी ठीक है ऑफ कोर्स मूविंग टू द रिव्यूज आज हम डिस्कस करेंगे मेरे हमसफर की एक किस सिंफियाहन की एक किस संगे की एक किस परिस्तान की तीन किस्तें हम तुम की तीन किस्तें और चौधरी संस की तीन किस्तें जी तो शुरू करते हैं हमला जी मेरे हम सफर से मेरे हम सफर से, रब से मेरे के रिव्यू का प्रॉब्लम पता है क्या? क्या? आता थर्सडे को है। देख हम को लेते हैं हाँ, सॉरी आप हाँ. फ्राइडे को आता है मैंने फ्राइडे को देखा अब हम मंडे को रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बीच में कुछ पंद्रह किस्तें और देख ली आप भूल गए मेरे हम में क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ गलत किसी ने फोटोग्राफ किया हो ना

ठीक है उन्होंने दिखाया, दिखाया वो किरदार ऐसा दिखाया उन्होंने और वो समझता है कि अब वो घर अपने घर वापस आ गया है और वो लैंड लॉर्ड को बड़ी तड़ी सड़ी लगा देता है लेकिन खालू कहते हैं बेटा चलो चलो बेटा निकलने वाली करो और जब वो निकलता है तो वो गाड़ी में जाते हुए देख लेता है हाला को और हमजा को उसकी कोई सिग्निफिकेंस अभी समझ नहीं आई बट क्योंकि वो रोडो पे फिर रहा है तो जो सेकंड किडनेपिंग की अटेम्प्ट होती है हाला के ऊपर उसमें वो सेवियर बन के हीरो बन के आ जाता है सिग्निफिकेंस सब होती है और काश 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 ऐसा होता कि हाला बैठ के हमजा को बता देती

बेहतर तरीके से रिव्यू कर पाएंगे क्योंकि इतनी सारी किस्तें और नहीं हम एक ड्रामा देखते हैं जब हम देखते हैं कास्ट तो वी वॉच द ड्रामा ये सोचिए कि यारीट टू सी दम ऑन स्क्रीन वी वॉन्ट टू सी सम रोमांस बिकता वो रोमांस के नाम पे होता अंदर बहुत कुछ और भी है तो ये थोड़ा धोखा हमारे साथ हो जाता है हमें हम सफर में हुआ दोबारा में ऐसे ही हुआ कि हम देखना चाह रहे थे ऑन उन स्क्रीन उनकी क्या इक्वेशन बनती है हदीका और बिलाल की मगर थोड़ा धोखा हो जाता है ठीक है ठीक से है मूविंग ऑन टू देन सिंफे आहन जी सिंफे आहन सिंफे आहन की इस किस्म में हमने पहले कैंप फायर पर देखा सबने अपनी अपनी वीकनेसेस और फिर जी एक जो चीज मुझे बीच में समझ नहीं आई वो तो फ्लैशबैक जो पूरा चला आसिम अजहर के किरदार का और वो बीच में गुले राना जी की फोन कॉल और जी, वो मुझे समझ नहीं आई कि वो अब पास्ट में ये दिखाने का कि कैसे उन ये पास था ना वो प्रेजेंट तो प्रेजेंट था, था वो पास था जब वो कह रहा है कि ये था, वो अजीब को, 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 बात इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि जब महाजबीन को फाइनली पता चलता है कि नसर और रबिया की शादी हो जाती है तो ऐसे एक्ट वो नसर से पूछती है कि तुम कौन है और रबिया से उसको पता नहीं होता हालांकि नसर ने क्लियरली उससे पूछा होता है एक टाइम पहले

या तो वो रबिया की पिक्चर्स उसकी कैमरे में सेव हुई होती हैं नहीं नहीं उन्होंने भिजवाई हैं तीन पिक्चर्स और वो कहता है कि रबिया और वो पूछती हैं तुम्हें कैसे नाम पता है और फिर वो कहता है नहीं नहीं और फिर वो कहती है अच्छा नाम कैसे पता है, ये तो मैं बाद में तुमसे पूछूंगी हाँ। तो वो ऑब्वियसली वाज अ फ्लैशबैक फिर उन्होंने फोन किया रबिया के वालिद साहब को <coughs>

तो अगेन पहले जब हम सीन देख चुके हैं जिसमें जब हाँ, को पता चलता है 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 कि कि और और नसर की मंगनी हो गई तो शी ऐसा ही है, ये 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 सब थे, ये सब आई थे थे ये थे इसलिए उन्होंने शूट किए हुए सीन खींचनी था वो था मेजर जनरल उमर बुखारी का हाँ जी सुनहरे दिन वाला जिनको नहीं समझ आया वो वही थे वो वही थे <laughs> वो वही <वो> थे। <laughs> जो सलीम शेख साहब को उनके बैच के ऊपर उमर भी लिखा हुआ था वही वो वो थे जब अब मेजर जनरल है आपने रिसर्च और रेंजर्स सिंध के डीजी डीजी रेंजर्स सिंध भी हैं अच्छा क्यूट थे मुझे बड़े जनरल उमर बुखारी उमर बुखारी जी तो उमर साहब का एक सुनहरे दिन में उनका सीन हमने देखा सलीम शेख के साथ जिसमें वो सलीम शेख को सालन और उसकी कॉकटेल पिला रहे होते हैं। और फिर उनको देख के जो पहले बात है, होते है तो ग्लास उल्टा कर देती ग्लास है। उल्टा नहीं कर लेती रख लेती चुपा थी चुपा थी और है और वो हाँ, देख लेते हैं हाँ. और फिर वो सीन आता कि है कि एक्चुअली क्या सिग्निफिकेंस है की इजाजत नहीं है सालन का उसका जो कॉकटेल था वो नहीं होता वो, तो, लिए वो थी गुड और uh, आपका वो गाना गाना कैसा हाईलाइट नहीं थी दोनों का।, का मिली नगमा गाएंगी अब दोनों जी सब मिली मिली नगमा नगमा गाया उन्होंने क्यूट कैसी लगती है? लगती क्यों क्यों है 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 तो नहीं है लेकिन मिली नगमा नहीं था लेकिन दोस्ती था सोचते बहुत है तो ये पीएम में इस तरह की सेरेमनी में गाना डांस करना होता ही होगा। होता, होगा हाँ। आपके हाँ, होता ही ही होगा होगा तो मुझे और इसलिए लग रहा था पीछे कोई बैंड 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 वो, वो भी ऑकवर्ड से बैठे हुए हाँ, बेचारे तो वो शूट उस हिसाब से नहीं हुआ मुझे लगा की सीन बेहतर नहीं थी किसकी अगर करते तो फिर ऑल द वे जाके करते कि पार्टी हो रही है फिर के पार्टी दिखाते हैं पार्टी हो रही है एंजॉयमेंट हो हाँ। रही है सेलिब्रेशन एक है क्या वो स्टेज के ऊपर पीछे बैंड वाले बैठे हैं वो यूं देख रहा है कोई यूं देख रहा है और ये क्या अगर श्रीलंकन के रेटना होती तो ये ना गाना गाते तो फिर कोई मिली नगमा गाते किस तरह गाते ठीक है श्रीलंका के जो ऐसे आई है ना वो मैंने कहा मैंने कहा इस तरह का क्योंकि आर्मी का तो बड़ा है।, हाँ। तो एक है जो लोग जिनका तालुक आर्मी से है हाँ। जिनका तालुक पी एमए से डिसिप्लिन की बात है तो पी एमए से जो पास आउट हुए हैं बताए अगर शेयर करें कि पी की जो सेरेमनी होती है पासिंग आउट उसमें किस तरह का माहौल होता है कैसी पार्टी होती है कैसी पार्टी होती है फेयरवेल जो सेरेमनी पार्टी सेरेमनी जो सेरेमनी होती है मैं कह रही हूं सेरेमनी के बाद पार्टी कैसी होती है चलो वो तो जो होती होती है लेकिन जो ऑफिशियल <laughs> जो सेरेमनी होती है <laughs> वो कैसी होती है मेजर उसामा को मैंने मिस किया ड्यूरिंग द सेरेमनी वो नजर नहीं आए मेजर काम पे थे ना इसलिए वो, वो, वो बिजी थे।, 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 थे लेकिन मेजर उसामा को जब वो कहती हैं किरण के वे यू। वे यू। उनको अच्छा मिल जाता है क्लोजर कहाँ से मिलना है अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ क्लोजर का ये क्लोजर था नहीं अभी एक किस्त रह गई है कौन सी आखिरी किस्त रह गई है बस अभी नहीं है आखिरी किस्त नहीं आखिरी किस्त आपकी आएगी ईद के बाद

प्रॉब्लम ये है कि जब उनके ऑफ स्क्रीन कुछ चीजें होती है ना तो वो फिर जब ऑन स्क्रीन आप उनको देखते हैं जी, जी, like you know, so हाँ, अजान दिए पहले फिर जो शाह साहब साहब शाह शाह साहब के साथ यार वो सीन है रोए जो जिस तरह से जो एक्सप्रेशन क्या खूबसूरत एक्टिंग की है क्या जबरदस्त एक्टिंग की आपको क्या ख्याल है क्यों रोया हाजी मिर्जान क्यों रोया बिकॉज ही हैजंट किल्ड Nasrullah. The wife has killed Nasrullah. Yes. As he, uh, he is not killed him. But he is in the core at the core of this problem. Blame तो उसी को किया जा रहा है क्या करें? वो तो है. But what an episode. और उससे पहले सामिया मुमताज और नुमान इजाज का भी जो सीन था वो, वो बहुत वो बहुत powerful scene था. आह uh, जर संगा से इसके मुझे लेके चलो. खाना खिला खिला के मुझे जिंदा रख रहे हो. हो, हो, हो

Mm. There's no urgency, you know, like angst or anxiety in it. Very enjoyable. Very enjoyable. Recap शुरू हुआ एक बड़े important scene से जो हमने पिछले हफ्ते miss कर दिया था बादाम गुल और मस्तान, मस्तान की, की मस्तान से एक conversation. जी. आ, वो वाकई में एक बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन आपसे सवाल मेरा ये है कि क्या हिलमंद को याद है कि उसको किसने स्टैप किया है हिलमंद को पता है पता है ना हिलमंद को पता है कि उसको किसने स्टैप किया है जी।

नहीं आई थिंक आज जिस टाइम वो कह रही थी कि मेरा बच्चा एंड यू नो द वे शी वाज एड्रेसिंग हिम सेल्ड लाइक इट वाज हर रियल सन या या इट वाज आई थिंक इट्स रूइट था लेकिन हिलमंद अगर आंखें खोल लेता तो फिर वो हिलमंद ना होता हिलमंद ने यही करना था

अब थोड़ी सी क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी अच्छी लाइट में दिखाया है कि वो सिस्टम मार्था भी बचा रही है, हेल्पफुल और जो फादर जेकब थे उन्होंने भी उस बच्चे को मरजान को बचाया बचपन में तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और इसारी. वो मरजान का इतना वो लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन था कि कि वो दादा मेरा दादा, दादा जब मरा तो मेरा और दादा और चले गए यह तो मेरी ईद भी खत्म होगी और मेरी मिठाई भी खत्म होगी और

Between एक दो कम थे उनके, तो उनके बीच हाँ. में कुछ है, हाँ. तो अच्छा है it's good. आ, हानिया को मिस कर रहे हैं हमने हमने पिछली बार बार एक, एक सीन एक था गुलमीना का बट इस बार हमने नहीं देखा उनको आ, हिकमत का भी एक छोटा सा सीन था नोबडी ट्रस्टिंग यार वो कह रहा है कि मैंने नहीं मारा कस्मेखा तो 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 है तुम तो गरम गर्म पे भी बैठ के कह लोगे ना तभी तो तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे और इतना गुस्सा होगा उसके गा उसको खंजर खंजर मारतेगा

हमने ये प्रकार दिए परिस्थान जी परिस्थान का रिव्यू आप लॉजिकली चाहते हैं या इल, आप मतलब अगर आपने परिस्थान को करना है ना तो आप ब्रोस करेंगे नहीं तो आप स्किप कर दें नहीं बात ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं और आप ये अब हमने स्टैबलिश कर लिया है कि लॉजिक नहीं है परिस्थान में नहीं है। मगर फन है 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 इस तरह से है कि ये आपको बताया था हमने कि जो असद का किरदार है जी असफर नहीं आज़र 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 आजर की शादी की, का, की जो चाहता है मेरीन से हो तो उसका इंटरव्यू करना है ने, भाई, हसीना के जो हसब मैंने बिल्कुल नहीं देखा मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी अगर उसके बाद आपने इसका सीन बाय सीन करना चाहा तो जरूर करिएगा व्हाट इज देयर टू वॉच इन परिस्तान नथिंग नथिंग नहीं कुछ तो होगा आई मैं पर्सनल अपने दिस इज सोली माय ओन ओपिनियन कोपी नथिंग अगर आ, ये वन ऑफ द रमजान ड्रामास ना होता और हम ऑलरेडी इसका रिव्यू ना कर रहे होते और एक कॉन्टेक्स्ट में हम इसका रिव्यू करते क्योंकि हम तीनों रमजान ड्रामाओं का रिव्यू कर रहे हैं ठीक है आ, तो मैं ना देखता

इससे ज्यादा फन मजे मस्ती के सीन तो अरसलान के चुपके चुपके में थे जी और अरसलान के जितने भी सीन्स हैं उनमें डायलॉग्स ही नहीं ही इज बेरली स्पीकिंग इट्स हम्म हम्म और एक्सप्रेशन और बहुत छोटे छोटे बीच में सीन्स हैं जहाँ पे अरसलान और एमन की hmm. नजर आता है सो hmm. so, जो फोकस है वो अगेन अरसलान और एमन की कहानी के ऊपर है भी नहीं clan, जैसे आप पिछली तीन किस्तों में फोकल पॉइंट हैज रिमेन्ड आपका आजर एंड महरीन तो मैं ये ड्रामा मैंने जो शुरू में कही थी पहली बार जो पहला सीन था अरसलान गाड़ी चला के आ रहा होता है एमन खड़ी भी होती, होती है वो तो सीन आपको याद है ना जी अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें और ड्रामा उसी कॉन्टेक्स्ट में चलता रहता और ये अरसलान और एमन के इर्द गिर्द ही होली रिवॉल्व करता तो फिर एक अलग बात थी जी बट अरसलान को तो परफॉर्मेंस का मॉजन मिल ही नहीं रहा तो क्या उसमें क्या बोले बंदाइट आई एम आई एम सैड यू नो अरसलान एंड एमन की जो एक फैन फॉलोइंग चुपके चुपके के बाद है जो लोग देखना चाहते हैं उनको नो no डाउट जो सीन्स उनके हैं वो अच्छे हैं उसमें केमिस्ट्री भी है बट देर टू लिटिले हमारे पास दो और ड्रामे हैं पे नहीं लेकिन, लेकिन हमें अभी हमें देखना पड़ेगा नहीं, ना नहीं, नहीं, चोड़े चोड़े हैं। चोड़े हैं। नहीं मैं बताना चाहूंगा तो आज़र आता है

ये तीन एक और सोफे के पीछे छुपे हुए हैं कि भाई जो सवाल पूछेंगे उसके जवाब हम तुम्हें बताएंगे अब वो कॉन्स्टेंटली यूं देख रहा है वो कॉन्स्टेंटली सवाल कर रहे हैं वो जवाब नहीं दे पा रहा है नजर नहीं आ रहे वो आ, फिर एंड में वो निकल आते हैं और वो निकल आते हैं तो उनको पता चल जाता है बट फिर भी वो मान जाते हैं फिर वो किसी एक पिकनिक पे जाते हैं वैन में वो कोस्टर में बैठ के अब वो जो होता है अमान उल्ला वो कहता है मैंने भी जाना है दादी नहीं जाने देती है अमान उल्लाह वैन के ऊपर लेट जाता है वो भी चला जाता है जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं As always, परिस्तान की दुनिया में उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है वैन अच्छा अब वो समुन्द्र पे पेट्रोल खत्म हो गया क्या हुआ होगा एक सीना आपने नहीं देखा अगर इस तरह का एक सिचुएशन आती है कोस्टर में लोग पिकनिक करने

एक और एक अदद कैंप बरामद होता है दो कैंप लग जाते हैं वहां पे फिर उनको मैजिकली जिस वैन में जिस कोस्टर में पेट्रोल खत्म हो गया पॉइंट हाँ। हाँ। नोटेड पे एक एंड से दूसरे एंड तक लाइटें जल, लग जाती हैं और जल जाती हैं, परेशान है ना आप सोच सकती हैं कि पेट्रोल है। पे परियों का मेला है हर दिल अकेला है, ये ऐसा है। और ना सिर्फ लाइटें लगती है झंडिया भी लगती माहौल माहौल तो तो और और जल जाती हैं और आग गाना गाना कौन गाता गाता है है कोई नहीं गाता है, बस रोमांस पे चल रहा होता है। अपना उजाला और बाबर का अपना रोमांस चल रहा होता है परी और अरसम का अपना रोमांस चल रहा होता है बच्चे सो जाते हैं कैंप में वहीं पे मुझे और ये कहाँ पे हुई है

बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही कि दादी क्या चाहती है मेरे okay. से वो अरसम से शादी कर उजाला को समझ नहीं आ रही अरसम को नहीं समझ आ रही कि दादी उजाला से मेरी शादी कराना चाहती अरसम को भी नहीं समझ में आ रही ठीक है okay. सिर्फ हसीना को पता है कि दादी जो है, है। सुनी इन सबको कोई पता नहीं हो सकता है ना हो भी सकता है <coughs> सिर्फ हसीना को पता है पता ना डिजीज में क्या होता है हाँ भूल जाते हैं वो सब पॉकेट्स में भूलते हैं वो जो उनको है आंटी को हम तुम में हम तुम वाली आंटी तो अब ये जो है हसीना को पता है कि दादी इंटरेस्टेड है उजाला की शादी कराएंगे और किसी को नहीं। और दादी हमेशा ताने मारती हैं परी को और कहती हैं कि मतलब तुम किसी काम की नहीं हो और उसको कहती हैं कि तुम बच्चों को भी नहीं पढ़ाओ और एक पॉइंट पे तो इतना बुरा सीन किया है कि कहती हैं कि तुमने बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसकी हम तुम्हें कीमत अदा कर देंगे हो मुआवजा दे, दे देंगे तुम्हें तो परी जो है वो रूट के घर चली जाती है तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त हो रही है दूसरी तरफ आज़र को मिलने जाने का प्लान एक हैच होता है कि हम कैसे आजर को मिलें क्योंकि भाईजान ने मना किया हुआ है एक बार वो जाते हैं वो पकड़े जाते हैं रेस्टोरेंट में फिर महरीन एक और प्लान बनाती है बीइंग सैफी भाई, भाई। इसहाक भाई जो महरीन के भाई का रोल प्ले महरीन अभी इनके घर आई है उससे पहले अपनी जिंदगी खुद ही गुजारी थी खुद ही गुजारी थी अच्छा अब महरीन जो है वो प्लान एक हैच करती है कि बाबर तुमने मुझे लेके जाना तुमने कहना कि तुम्हारी कोई दोस्त की अम्मी बीमार हो गई दोस्त बीमार हो गए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ये वो और हम वहाँ पे जाके आजर को मिल लेंगे बाबर कहता ठीक है, है। वहाँ पे जाते थे वहाँ पे आजर की एक्स गर्लफ्रेंड उसको फिर मिल जाती टकरा जाती मेरीन कहती मैंने शादी नहीं करनी मेरीन घर आके कहती मैंने, मैंने शादी नहीं करनी भाई जान कहते हैं ठीक है आजर के साथ हम तुम्हारी शादी <laughs>

तो एक असद का हम एक और uh, रूप देख रहे हैं इज अ वर्स्ट टाइप एक्टर आई विश टू सी हिम इन बेटर प्रोजेक्ट्स मुझे लगता है ये role. सारे एक्टर्स इनमें बहुत पोटेंशियल है अगर आप इनको सही प्रोजेक्ट दें सही स्क्रिप्ट दें नवीन यार नवीन यू गॉट नवीन को देखें नो इवन अरसलान अलेमन आर गुड बट यू पुट देम इन द रॉन्ग बोट एंड दे वोंट बी एबल टू दे बीन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दे बीन शॉर्ट चेंज्ड एक्जेक्टली सो या मूविंग ऑन टू हम तुम हम तुम

फैशन थोड़ा कोर्ट कर लूँ नेहा लुक ब्यूटिफुल आई लव हर लहंगा गरारा विद हर कमीज एंड कलर्स हर हेयर हर जुमकाज रमशा लुक ब्यूटिफुल आई डोंट नो वॉट रमशा इज डन एंड शी इज़ डन समिंग एंड शी इज लॉस्ट वेट सम हाउ उनके ना एक डेफिनेशन सी आ गई है फेस पे जो कि जिससे वो बहुत हसीन लग रही हैं सो फुल मार्क्स टू नेहा आई अप्रूव ऑफ wardrobe, she लुक beautiful, सेम विद आदम द वाइट ऑन वाइट एंड द वाइट टेक्सचर्ड बेस कोट ही लुक लवली दोनों के डांस स्टेप्स भी बड़े जबरदस्त थे और उनका डांस बहुत अच्छा था मैंने बहुत इन्जॉय किया जो बच्चियाँ दोनों साशाह uh, एंड नहीं मिली सान मिली उनके जो घगरे थे उसमें एक टेक्निकल चीज़ ये थी कि जो साशा का घगरा लहंगा था ना इट नीडेडा बिकॉज इट वॉज घगरे की चोली इट वॉज नॉट अ टॉप

और जो मिली थी उसकी क्योंकि टॉप थी एम्ब्रॉयडर्ड उस पर नहीं था तो दैट वॉज फाइन दुल्हन जो थी ना अनफॉर्चुनेटली um, जो थी मै माह उसका आउटफिट सबसे बेचारी का थका हुआ था आई डोंट नो वाई ज्वेलरी भी उसकी बहुत बुरी थी उसकी सास ने उससे भारी ज्वेलरी पहनी होती है एंड आई वाज लाइक नाइस सेट और मेहंदी है तो फूलों का जेवर पहना देते अगर जेवर नहीं था तो मगर आउटफिट भी उसका जरा ब्ला था और बट सारा इज़ ब्यूटिफुल नीड एनी थिंग लाइक to look radiant and beautiful um, i liked uh, the dula's waistcoat as well i liked the do handsome's waistcoat i thought it was really cute floral and nanny uh, nani the uh, nani, very element with the Cute, but dance dance step it's not easy Hassan. You, you know ladies ne dance yeah easy andurya not dance camera. solo type oh. so I episode episode i okay. i loved the chemistry that was building up between and i and i i adored ahad in this episode आई थॉट हिज एक्सप्रेशन नाओ स्टॉप टू बिंग ए नोइंग जब वो गुस्सा करते हैं एंड दे स्टार्टेड बिकमिंग इंडियरिंग मुझे बहुत इंडियरिंग लगे थे ये सारे जब उनको कहते हैं कि तुम तस्वीर खींचो और जब कहते हैं कि यू नो इट वॉज जस्ट लवली इट वॉज फन टू वॉच हावे द लो लाइट वॉज यूर आई होप आई होप आई होप कि इतनी प्रमोशन करने के बाद जो भी वो फ़ोन प्रमोट कर रहे होते हैं वो कम अज़ कम एक एक सेट तो सबको मिलाओ

हसन और रामना बैठे हुए हैं और अब यहाँ पे हम बीच में मैं शुरू कर ये है ये कर सकते हैं एक दफ़ा ठीक है तो इसकी ये बहुत बड़ी है क्या कहते हैं उसकी डिस्प्ले बहुत बड़ा है इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी आती है इससे तस्वीरें खींचो इससे तुम्हारा सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ चला जाएगा तुम इससे इंसान से परी बन जाओगी और उसके फिल्टर बड़े जबरदस्त इट्स टू मच अच्छा एनीवे anyway, मैं जो इस पॉइंट पे आ रहा हूँ मुझे तो दद्दू हैंडसम का ट्रैक थोड़ा सा अनोय कर रहा है आ, जी तो इन ऑल ऑनेस्टी मैं एंजॉयबल एंजॉयबल था, था, था।, था, था एक हद तक लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा और मोहम्मद अहमद साहब बड़े वेटरन जबरदस्त एक्टर हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने उनको एक अलग बहुत की उनकी मुझे ऐसा लग रहा है तो अब ऐसा लग रहा है कि वो ना दद्दू हैं का ट्रैक ना थोड़ा सा आगे निकल गया इतना आगे जाने की जरूरत नहीं ठीक थी, था फन बैंटर जो चल रहा था उतना ठीक था इस बार मुझे वो थोड़ा सा अनोइंग लगा उनके उनकी सारी चीज

तो उसका भी जो एक्सप्रेशन था थोड़ा सा उसमें आया कि यार कि कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा हाँ। टाइप तो वो अच्छा है वो मजे का है सो तो ये और बढ़ेगा बट मेरी कंप्लेन इसे ये कि आपने बाईसवीं किस्त में ये शुरू किया आठ है आठ किस्तें पीछे रह गई हैं तो अब मेरी ख्वाहिश ये है कंप्लेन के बाद कि अगली आठ किस्तों का फोकस फिर यही हो आदम और नेहा की शादी की तरफ हम लीड करें और थोड़ा सा जहां पे हमने इतनी बीस इक्कीस किस्तें उनकी तकरार देखी है अब सात आठ किस्ते हम थोड़ा उनको हैप्पी देखी देखें साथ में ऐसा होगा नहीं लेकिन अगर बिल्कुल आखिरी एपिसोड में शादी करानी है और खुशी देनी है तो फिर तो नहीं मजा ना थोड़ा सा हमें मौका दें कि हम उनकी केमिस्ट्री को एंजॉय करें थोड़ा सा उनके रिलेशनशिप को एंजॉय करें थोड़ा सा हंसी मजाक हम डिजर्व करें हम करते हैं डिजर्व तो हम देखें उनका हंसी मजाक

एक एपिसोड मेहंदी पूरी मेहंदी थी हां इट वाज वन एपिसोड एनी आई आई डोंट नो आई फेल्ट लाइक एज इफ इट वाज अ बिट बीच में बहुत सारे सीन से खाली म्यूजिक था खाली डांस था वो अच्छा था आहद और रमशा का परफॉर्मेंस वो था? वो अच्छी थी हाँ। एक बच्ची बच्चियों का भी था बीच में डांस जी और स्टार्टअप एक्ट जो है हम टीवी की शादी का उस पे वो कैसे हो के बल्ले बल्ले ना बल्ले बल्ले जी बस कर दें यार बस कर दें हां फोनो को बस कर दें फोनो को भी प्रमोशंस भी बस कर दें और

मेरा फेवरेट ड्रामा है मुझे मजा आता है देख बेक के बेक मैं इंजॉय करता हूँ मैं हंसता हूँ खिलखिला के कोई उसमें इन योर फेस एडवर्टाइजिंग नहीं है मार्केटिंग नहीं है स्टोरी है एक स्टडी पेस पे जा रही है हीरो हीरोइन की आपस की केमिस्ट्री मजे की है एंजॉयल है स्टोरी भी है स्टोरी है हर किस में किसी एक बंदे नए बंदे को कुछ ना कुछ पता चल रहा है उनके आपस के मसले चल रहे हैं सो और हर कैरेक्टर अच्छा लगता है आपको कोई भी कैरेक्टर अनोई नहीं लग रहा सिवाय है पारो 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 है पारो मुझे हाँ, पारो है है हाँ, पारो मुझे पारो है मुझे मुझे फिरती रहती लेकिन कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि यार ये क्या? हाँ, राइट ऑफ करने वाला राइट ऑफ़ करेंगे यार ये बड़ा नाकाबले बर्दाश्त नहीं नहीं वो ड्रामा देख रही होती है वो आता है वो बिजली बंद कर देता है पीछे काफी हाँ, वॉटसन के पोस्टर बर्बाद होते हैं एंड uh, एक एपिसोड में नूर भाई आते हैं और कहते हैं मुबारक हो कहते हैं क्या हुआ डाइक कराने वाला मिल गया टू <laughs> <लिया। laughs> क्यूट टू क्यूट, क्यूट यार सुहेल एमन साहब का हर डायलॉग हाँ। उसके ऊपर एक अलग रिव्यू बन सकता है हाँ। मैं भूल जाता हूँ अक्सर इतनी जो उनकी जुकते हैं हाँ। बट उनकी इतने मजे की जुकते हैं इतनी मजे की जुगते यार बड़ा दादा एंड बिलू दादा एंड नूर नूर, नूर, नूर भाई चारे, हाँ, चारे, हाँ। शाकर। शाकर, और शाकिर शाकिर दादा एंड शाकिर वो भी बड़ा अच्छा ओ यार इस एपिसोड में वो सीन कितना मजे का था ताशफीन और उसके बीच में जो साकिब का किरदार है क्या नाम है उसका हाँ, हाँ, हाँ। आ, साबर 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 और ताशफीन के बीच में जब साबर को पता चलता है कि वो पारो में इंटरेस्टेड है गॉड इट वाज सो फनी और साकिब ने क्या एक्टिंग की है यार नहीं जो साकिब जब जानवर बना होता है वो भी बना होता है <laughs> बट इस सीन में yeah. यासिर भाई और साकिब की yes. यार वो क्या मजे का सीन है यासिर नवाज इज रियली क्यूट इन दिस रोल बाय द वे ही इज कांस्टेंटली सड़ू हुआ आई मीन डोंट अंडरस्टैंड व्हाई निदा इज सो अपसेट नो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई निदा इज अपसेट नहीं नहीं ही इज रियली क्यूट इन दिस कैरेक्टर बिकॉज़ वी ऑलवेज सी हिम इन लाइक रियली इंटेंस एंड वेरी एंजॉयएबल परफॉर्मेंस दिस इज सो एंजॉयएबल एंड यू नो और इमरान का जो ये आखिरी एपिसोड में जो बिल्लू का रोमांटिक साइड नजर आ रहा है ना वो बड़ा बिलीवेबल और बड़ा अच्छा जा रहा है और वो लैम भी करता ना, वो थोड़ा सा ऐसे होके करता हाँ। अच्छा वो किया वो अच्छा कर तो सोरा नहीं रहा होता है वो मकर मार रहा होता है उठ के देखता है फिर वापस हो जाता है और फिर जो उसका हाथ पकड़ के अपने दिल पर रखता है यार वेरी वेरी गुड सीन वेरी रोमांटिक सीन कुछ लोगों ने कहा की हम खाली इमरान की तारीफ करें और आयजा की नहीं कैन आई जस्ट से उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है वो इतनी को हसीन औरत है कि शी जस्ट, uh, you know, मैंने वो टाकिया भी इग्नोर कर दी उसके सर पे लगाई भी हैं मैं ब्यूटीफुल शी इज ब्यूटीफुल बट मैं तो पहली किससे कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये आयजा का मेरे पास तुम मोस्ट फेवरेट परफॉर्मेंस इट इज़ सो इंडियरिंग दैट कैरेक्टर इट इज़ सो इंजॉयल और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे तो उसका थर्ड पर्सन में पढ़ी को अपने आप को रिफर करना भी बुरा नहीं लगता अनॉइंग नहीं लगता मोजाद तो हो गई है मुझे तो बहुत आयजा ने बहुत अच्छा कहा आयजा की आपको एक बात बताऊँ जो मैं फील करती हूँ आयजा वॉज वेरी वेरी वेल मेरे पास सुमह बिकॉज उसकी जो फेस है ना ऑल दोस नॉट इन थर्टीज बट शीज ए मच्योर फेस जो लंबे चेहरे होते हैं जनरली वो ज़्यादा जल्दी मच्योर लगते हैं She doesn't look like a, a young, innocent girl. According you can say that a little casting is wrong. She doesn't look like a young girl who... The girls who are bald, they not look like that. Like if you put someone else, for example, you put Hania, or if you put a lot of people, if you put Sajil, if you they can get away looking because they have slightly rounder faces that look more innocent and unaware and inexperienced. Aiza looks very... like she has a mature face.

बहुत मजे का इट्स अ फन वॉच इट्स एंजॉयबल लीड कास्ट की केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है एक्टिंग सबने बड़ी मजे की है लिखा हुआ इस हिसाब से है कि आप देखते हुए उसको मजा आता है फिर रेफरेंसेस जो आपके आते रहते हैं किसी एक ड्रामे का किसी एक फिल्म का किसी एक किरदार का एक मेरे पास तुमो का भी रेफरेंस था। आया है यासिर भाई को कहते हैं डायरेक्टर भी है ना खुद भी तो डायरेक्टर है डायरेक्टर सो so इस तरह के जो रेफरेंसेस आते है कागज वो भी बड़े मजे के मैं साथ कुछ और कर रही होती हूं और देख रही होती हूं

<laughs> और फिर वो सारा ठीक हो जाता है वो कहता पानी पिलाऊं कहता हाँ मुझे पिलाओ खुद भी पी लेना क्यूट द स्ट्रेंजर वेरी क्यूट वेल डन चौधरी एंड सन्स गुड जॉब गुड जॉब गुड ठीक है जी इजाजत ले। जी इस मौके पे आपसे इजाजत लेते हैं आपको इंट्रो में सब बता दिए डिटेलें क्या हो रहा है कौन सी वीडियो कब आने वाली है सो तो अगर आपने मिस कर दिया तो इंट्रो में जाके सुन लीजिएगा मैं और आमना इंशाल्लाह दोनों आपसे कलेक्टिवली मुलाकात करेंगे जुम्मे को तब तक के लिए इजाज़त दी और जो शुरू में मैंने कहा था आपने अपना फीडबैक ज़रूर बताना कि किस तरह का कॉन्टेंट आप इंटरेस्टेड हैं in देखने में ताकि फिर हम अपनी एनर्जीज उसी तरफ रीडायरेक्ट करें मुझे और आमना को अभी इजाजत दीजिए हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द फ्राइडे को इन तब तक के लिए मुताफिज़